हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सांझा दस्तखान। आज मैं अपने दस्तखान में पेश करने जा रही हूँ चिकन स्टेक। बनाने में बिल्कुल सिंपल है, टेस्टी है और बहुत हेल्दी है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको चिकन स्टेक का फाइनल लुक दिखा देती हूँ। ये देखिए, बहुत ही यमी और बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट बना है। मैं इसको आपको काट के दिखा देती हूँ। ये देखिए, बहुत ही जूसी बना है, बहुत ही टेस्टी है। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो आइए देख लेते हैं हम इस चिकन स्टेक को किस तरह से तैयार करेंगे। चिकन स्टेक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 चिकन ब्रेस्ट का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये लो फैट, लो कैलोरी और हाई प्रोटीन का सोर्स है, और जो डाइटिशियंस हैं वो चिकन ब्रेस्ट पार्ट को ही लेने की सलाह देते हैं। तो इसको मैंने धोने के बाद सारा पानी स्ट्रेन कर लिया है। इसको सबसे पहले मैं थोड़ा सा हैमर करूँगी, यानी कि इसको थोड़ा सा किसी भी स्पून की मदद से या बेलन की मदद से इसको थोड़ा सा क्रश कर लूँगी, ताकि ये आगे से पीछे तो थोड़ा सा इक्वल हो जाए, गलने में आसानी होगी और जो अंदर के रेशे फट जाएंगे इससे क्या होगा, जो हमारे चिकन स्टेक है वो सॉफ्ट और थोड़ा जूसी बन के तैयार होगा। तो आप बेलन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे स्पून का इस्तेमाल कर रही हूँ। और सेकेंड पार्ट को भी हम इसी तरह से हैमर कर लेंगे। बस अब ये मैरिनेशन के लिए बिल्कुल तैयार है। मैरिनेशन के लिए सबसे पहले हम थोड़े से मसाले तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैं 1/2 टीस्पून अदरक का पेस्ट इस्तेमाल कर रही हूँ और 1.5 टीस्पून लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल कर रही हूँ। ध्यान रहे, हमें बहुत भर के नहीं लेना है, लेवल करके लेना है। और यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून मैंने सेब के सिरके का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल सिरका ले सकते हैं, अगर सिरका भी नहीं है तो आप थोड़ा सा नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं, 1/2 नींबू के बराबर। और 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल किया है, और साथ में 1/2 टीस्पून ही मैंने पिसी हुई काली मिर्च ली है, और साथ में 1/2 टीस्पून ही रेड चिली पाउडर है, जिसमें थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च भी मिक्स है, जिससे कि कलर बहुत अच्छा आ जाएगा, नेचुरल कलर। और 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे मिक्स हर्ब का इस्तेमाल किया है, अगर आपके पास है तो डाल लीजिए, अदरवाइज स्किप कर दीजिए। और 1/2 टीस्पून यहाँ पे नमक है, मैंने नमक रेगुलर नमक नहीं लिया है, यहाँ पे मैंने सेंधा नमक लिया है। और साथ में 2 टेबल स्पून दही भी डाल रही हूँ मैं, बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा दही है। बस इन सभी मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैंने चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल किया है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर के लिए। अगर आप चिली फ्लेक्स पसंद नहीं करते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, काली मिर्च से भी काम चल जाएगा। इसको मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरह से, और ये मिक्सर तैयार है बिल्कुल। अब मैं इसमें चिकन के जो पीस हैं उसको पूरा कोट कर देती हूँ मसाले के साथ, कुछ इस तरह से। इसी तरह से हम दूसरा पीस भी कोट कर देते हैं। अब हम इसको मैरिनेशन के लिए रखेंगे अपने टाइम की सहूलत से, जिस तरह से हमारे पास टाइम होगा उस तरह से कर लेंगे। अगर आप रात को मैरिनेट करके रखेंगे तो आप सुबह इसको बना सकते हैं, फ्रिज में आप रखें इसको, और अगर वक्त नहीं है तो आप एटलीस्ट आधे घंटे के लिए रख दें, काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाएगा। और मैं इसको आधे घंटे के लिए रख देती हूँ किचन काउंटर पर ही। और आधा घंटा हो चुका है चिकन को मैरिनेट किए हुए, अब हम चलते हैं कुकिंग प्रोसीजर में। इससे पहले मैं इसमें कुछ खास इन्ग्रीडियंट्स डाल रही हूँ। मैं यहाँ पे 2 टीस्पून जैतून का तेल डाल रही हूँ, और साथ में बिल्कुल 2 पिंच मैं इसमें अजवाइन का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको हाथ से क्रश करके डाल देते हैं, और एक बार फिर से हम सबको अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। और चलते हैं अब गैस चूल्हे की तरफ, जिस पे मैंने एक पैन चढ़ा रखा है, और पैन हमारा जैसे ही गर्म हो जाएगा तो हम चिकन के पीस इसमें डाल देंगे। इस वक्त फ्लेम मीडियम है और इसको हमें मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है खोलकर, तकरीबन 2 मिनट के लिए। 2 मिनट हो चुके हैं इसको मीडियम हीट में पकते हुए, और जब तक इसका जो आसपास का पानी नहीं सूख जाता है तब तक हम इसको खोलकर ही पकाएंगे। 1 मिनट और हमने इसको मीडियम हीट में रखा है, और इसका आसपास का सारा पानी सूख चुका है। इस पॉइंट पर हम इसको ढक देंगे, और इसको ढक के हम तकरीबन 2 मिनट के लिए पकाएंगे। और 2 मिनट हो चुके हैं, इसका लेट हटा दिया है मैंने, और आसपास का पानी सारा इसका सूख चुका है, और इसको पलट देते हैं। और ये देखिए, बिल्कुल यही कलर चाहिए हमको, गोल्डन ब्राउन, बहुत अच्छी तरह से ये एक तरफ से सिक चुका है। कुल मिला के एक साइड से 5 मिनट पका है, अब हमें दूसरी साइड से भी तकरीबन 5 मिनट ही पकाना है, और इसको फिर से ढक देते हैं। और जब तक चिकन स्टिक तैयार हो रहा है, कुक हो रहा है, तब तक हम कुछ वेजिटेबल्स कट करके रख लेते हैं, जिसको हम एज अ सैलड सर्व करेंगे। 1 शिमला मिर्च है जिसको मैंने लंबे लंबे स्लाइसेस में काट लिया है, इसके सारे बीज हटा के।
इसी तरह से मैंने एक टमाटर लिया है, उसके भी बीज हटा लिए हैं और इसको लंबे स्लाइसेस में थोड़े मोटे मोटे काट रही हूँ। और साथ में ही आधी प्याज ली है मैंने और उसको लंबे लंबे स्लाइसेस में मैं थोड़ा सा मोटा मोटा काट रही हूँ और इसकी जो लेयर्स हैं वो अलग अलग कर लेती हूँ। वेजिटेबल्स आप जो मर्ज़ी आप सैलड में जो लेते हैं आप ले सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितना आप चाहते हैं। और कुल मिला के 5 मिनट मैंने इसको लो फ्लेम में पकाया है दूसरे साइड से, और दोनों साइड से ये बहुत अच्छी तरह से पक चुका है। आप देख सकते हैं इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है और हमें इसकी ओवर कुकिंग भी नहीं करनी है, नहीं तो अंदर से बिल्कुल सूख जाएगा। हमें इतना ही करना है कि ये अच्छी तरह से गल जाए और इसकी जो सॉफ्टनेस है और जूसीनेस है वो बनी रहे। बस हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। और साथ में ही जो हमारा मैरिनेशन का जो कुछ मसाला बचा था इसको भी हम वेस्ट नहीं करेंगे। पैन बिल्कुल लो फ्लेम में है इस टाइम और जो मसाला है उसको हम थोड़ा सा भून लेंगे, बस इतनी कि इसमें से जो रॉ स्मेल है लहसुन अदरक वगैरह की वो निकल जाए। बहुत ज़्यादा हमें कुक करने की ज़रूरत नहीं है, मीडियम टू हाई फ्लेम में हमें इसको भून लेना है। मसाला बहुत अच्छी तरह से भून चुका है, बस हमने जो सब्ज़ियाँ काट के रखी थी सलाद के लिए वो हम इसमें शामिल कर देंगे और हाई फ्लेम में ही इसको अच्छी तरह मिक्स करके हल्का सा भून लेंगे। और बस मीडियम टू हाई फ्लेम में हमें जो सब्जियां हैं वो भून लेनी है, हमें सब्जियों को गलाना बिल्कुल भी नहीं है। बस इतना हमें भून लेना है कि जो मसाला है सारा सब्जियों के साथ कोट हो जाए और बढ़िया सा फ्लेवर आ जाए इसमें और इसका जो क्रंचीनेस है वो बना रहे। और सब्जियां सारी कोट हो चुकी हैं मसाले के साथ और जितनी हमें फ्राई चाहिए उतनी फ्राई हो चुकी हैं और ये हमारा फ्लेवर्ड सैलेड बिल्कुल तैयार है। और चिकन स्टिक को मैंने यहाँ पे कर लिया है सर्व, बहुत ही सॉफ्ट बहुत ही टेस्टी हमारा चिकन स्टिक बनके तैयार हुआ है फ्लेवर्ड सैलेड। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड के साथ। और अगर आप साझा दस्तखान में फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है 1 टाइम सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं जल्द ही हाजिर होंगी इसी तरह की और मज़ेदार रेसिपीज़ लेकर, तब तक के लिए टेक केयर।